हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स बॉय प्लेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में मंदिर और चर्च एंड मॉस्क। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सा घर जो मैंने खुद बनाया है। ये एक वुडलैंड मैंशन कम रिजॉर्ट है। सो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए हम आ चुके हैं हमारे मंदिर के पास। तो इस मंदिर को मैंने थोड़ा ओल्ड बनाया है ताकि थोड़ा एंटीक लगे। अंदर मैंने अभी तक मूर्ति नहीं बनाई क्योंकि ये मैंने हाल फिलहाल में ही बनाया है। तो अंदर बेल्स हैं और आप देख सकते हैं पिलर्स है जो कि ज़्यादातर मंदिरों में होते हैं। नॉर्थ इंडियन में ऐसे टाइप के मंदिर बहुत मिलते हैं, जैसे राम मंदिर में भी ऐसा बहुत सारा पिलर्स है। आगे से हाइट थोड़ा कम होता है और पीछे जाते हुए ये इंक्लाइंड होता जाता है। सो इसे बनाते टाइम मुझे बहुत मेहनत लगा था क्योंकि ये पूरा मंदिर जो है सिमेट्रिकल है, एक भी पत्थर इसमें एकदम ब्लॉक जो है इधर उधर नहीं है, पूरा सिमेट्रिकल है। सो मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आया और देखने में भी अच्छा ही लग रहा है मेरे ख्याल से। आपको अच्छा लगा या नहीं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो मंदिर तो आपने देख लिया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ मस्जिद। मस्जिद ये रहा मस्जिद। तो मस्जिद को आप देख सकते हैं, ये थोड़ा मैंने टर्किश लुक दिया इसको, जो कि टर्की में ऐसा टाइप के मैं मस्जिद मिलता है आई थिंक। और कलर मैंने इसको ब्लू ग्रीन जैसा बनाया। अंदर से आप देख सकते हैं मार्बल्स लगे हुए हैं जो कि उधर के मस्जिदों में बहुत होते हैं। और लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा है अंदर। तो और ये है डोम, हिंदी में इसे गुंबद कहते हैं शायद। यह इसका मीनार है जो कि छत तक जाता है। और ये रहा इसका डोम। सो ये है मस्जिद के पीछे वाला गार्डन विथ फाउंटेन और बहुत सारे फ्लावर्स। ये गेट भी है लैंटर्न। आपको कैसा लगा मस्जिद ये भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो आपने अभी मस्जिद और मंदिर तो देख लिया, अभी देखते हैं चर्च। तो ये रहा चर्च। सो ये चर्च थोड़ा बहुत स्पेनिश और यूरोपियन स्टाइल से थोड़ा इंस्पायर्ड है। इसको मैंने खुद मॉडिफाई किया है कलर वलर खुद। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आपको दिखेंगे बुक शेल्फ्स और ये स्लीपिंग का एरिया जो कि हर चर्च में होता है। और ये क्रॉस, कुछ और बुक शेल्फ्स देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं साइड में वॉल में कलरफुल ग्लासेस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूरोपियन टच में हैं। ये है चर्च, फ्लावर्स भी है वाइट फ्लावर्स, कलरफुल ग्लासेस, क्या सुंदर। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ ये लाना है क्या कहते हैं।
बाहर का लुक, ये इसका पावर जहाँ में बेल होते हैं और ये ऊपर और एक क्रॉस का सिंबल, ये इसका 360 व्यू। सो या आपको तीनों बिल्ड्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो बताइए। तीनों एक दूसरे से बहुत अलग है। मंदिर जो है वो थोड़ा एंटीक है और बहुत अट्रैक्टिव, और ये मस्जिद जो है बहुत कलरफुल और मतलब बहुत शाइनी है, और ये चर्च जो है इसमें अलग अलग पैटर्न्स हैं। तीनों बहुत अलग है लेकिन तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये है ब्रिज जो तीनों रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को एक साथ जोड़े रखता है, और यह दिस इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इक्वालिटी एवरीथिंग। सो ये आपको तीनों में कौन सा अच्छा लगा या तीनों ही अच्छे लगे डू लेट मी नो। और बाय द वे ये मेरा तीसरा वीडियो है। आपने पहले वाला और दूसरे वाला अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स को कवर किया है, जैसे ताजमहल और मेरा खुद का वुडलैंड मेंशन। सो मुझे तो तीनों ही अच्छे लगे क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से बहुत ही अलग है। एक एंटीक है, उसमें वो एंटीकनेस है, एक बहुत कलरफुल है, और एक बहुत ही शेप्स में बहुत डिफरेंट है जो कि बहुत अट्रैक्टिव भी है और कलरफुल। चर्च में कलरफुल है, रेड कलर, डार्क कलर का मॉस्क, बहुत लाइट कलर का। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।